माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम सीखेंगे नंबर फॉर्मेटिंग का उपयोग करके डेट्स को अलग अलग फॉर्मेट में शो करना, जैसे मंथ नेम और डे नेम। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डेट्स की लिस्ट है जो डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में है। और यदि कोई आपने डिफरेंट रीजनल सेटिंग की हुई है तो ये फॉर्मेट अलग भी हो सकता है। यहां पर आइडिया ये है कि नंबर फॉर्मेटिंग का उपयोग करके डेट्स को मंथ नेम और डे नेम में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहां पर हम इन डेट्स को सिलेक्ट करेंगे और नंबर फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन करने के लिए या तो आप यहां पर ये नंबर वाले ग्रुप पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहां से ये फॉर्मेट सेल्स की विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं पहले से ही एक डेट फॉर्मेट है जो एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया हुआ है। यहां पर देखिए डेट्स के अलग अलग फॉर्मेट्स दिए गए हैं। आप इन फॉर्मेट्स में से किसी को भी यहां पर सिलेक्ट करके ये डेट के फॉर्मेट को यहां से चेंज कर सकते हैं, परंतु हम यहां पर आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहां ये कस्टम पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपको आपकी डेट्स का फॉर्मेट दिख जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो फॉर्मेट है वो है DDMMYY। अब मान लीजिए हम यहां ये कंप्लीट डेट्स की जगह केवल मंथ नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहां पर ये फॉर्मेट को यहां से रिमूव करेंगे और केवल मंथ नेम डिस्प्ले करने के लिए 1 time M प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर मंथ नेम सिंगल डिजिट में शो हो गया है। यहां से ओके करेंगे तो ये सभी डेट्स यहां पर मंथ नेम में कन्वर्ट हो गई हैं। सिंगल डिजिट में यहां पर मंथ नेम डिस्प्ले हो गया है। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करेंगे इनको और फिर से नंबर फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे, फिर से कस्टम पर क्लिक करेंगे और ये फॉर्मेट को हम यहां से रिमूव करेंगे। अब यहां पर देखिए 2 times हम एम टाइप करेंगे, 1 time M प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहां पर सैंपल में सिंगल डिजिट में मंथ नेम शो हो रहा है। अब M को हम यहां पर एक और बार टाइप कर देंगे तो आप देख सकते हैं अब यहां पर मंथ नेम डबल डिजिट में दिखाई देगा। ये आप यहां पर सैंपल देख सकते हैं। यहां से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर सभी डेट्स के मंथ नेम डबल डिजिट में शो हो गए हैं। और यहां पर यह भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि बैकएंड में डेट एज इट इज बनी रहेगी, ये आप यहां पर फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करेंगे और फिर से कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर M को टाइप करेंगे 3 times, तब क्या होगा देखिए। अब देखिए यहां पर मंथ नेम आ गया है यहां पर शॉर्ट में। जैसे ही हमने M को 3 times टाइप किया, यहां से ओके करेंगे तो सभी डेट्स यहां पर मंथ नेम में कन्वर्ट हो गई हैं। यहां पर मंथ नेम है शॉर्ट में और बैकएंड में डेट एज इट इज है, ये आप यहां फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। अंडू करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। अब हम यहां पर M को टाइप करेंगे 4 times तो यहां पर कंप्लीट मंथ नेम शो हो जाएगा। तो यहां पर हम टाइप करेंगे M को 4 times, ये आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट मंथ नेम यहां पर सैंपल में डिस्प्ले हो रहा है। यहां से ओके करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट मंथ नेम सभी डेट्स के शो हो गए। ध्यान रखिए डेट यहां पर इन सेल्स में एज इट इज बनी रहेगी बैकएंड में। अंडू करेंगे और कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहां से इस फॉर्मेट को रिमूव करेंगे। और अब हम यहां पर 3 times M टाइप करेंगे, डैश करेंगे और 3 times YY टाइप करेंगे, यहां से ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर केवल मंथ नेम और ईयर नेम शो होंगे डेट्स में। ये आपके लिए बहुत यूजफुल है यदि आप कहीं पर भी
कंप्लीट डेट को शो नहीं कराना चाहते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करेंगे और कंट्रोल वन प्रेस करेंगे। तो ये तो थे डेट के फॉर्मेट्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मंथ नेम में। अब हम देखेंगे इस फॉर्मेट को हम डे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक कस्टम पर हम क्लिक करेंगे और यहां से इस फॉर्मेट को रिमूव करेंगे और यहां पर हम वन टाइम डी प्रेस करेंगे। तो यहां पर होगा क्या, इन डेट्स में जो डेट्स हैं जैसे 10, 12, 6, 12, ये यहां पर सिंगल डिजिट में शो होंगी। जो डेट्स पहले से ही डबल डिजिट में है वो डबल डिजिट में। अब जैसे यहां पर 9 है तो यहां पर ये सिंगल डिजिट में शो होगी। यहां से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये सभी डेट्स सिंगल डिजिट में शो हो गई हैं और बैकएंड में कंप्लीट डेट आपको दिखाई देती रहेगी। ये आप यहां फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करेंगे और कंट्रोल वन प्रेस करेंगे। कस्टम पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट को यहां से रिमूव करेंगे और अब हम यहां पर डबल डी प्रेस करेंगे, यानी डी को हम 2 टाइम्स टाइप करेंगे। अब देखिए ये जो डेट्स अभी जो आई थी वो आप डबल डिजिट फॉर्मेट में दिखाई देंगी। ओके करेंगे यहां से, ये आप देख सकते हैं यहां पर अब 9 से पहले यहां पर 0 आ गया है। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे अंडू के लिए और कंट्रोल वन प्रेस करेंगे। कस्टम पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट को यहां से रिमूव करेंगे। अब देखिए हम यहां पर डी को टाइप करेंगे 3 टाइम्स तो यहां पर डे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम टाइप करेंगे डी को 3 टाइम्स तो आप देख सकते हैं यहां पर डे नेम डिस्प्ले होगा शॉर्ट में। यहां से ओके करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहां पर ये डे नेम यहां पर डिस्प्ले हो गए शॉर्ट में और बैकएंड में आपको कंप्लीट डेट यहां पर शो होगी। जिस भी डेट को आप चेक करना चाहेंगे वो सभी डेट्स यहां पर फॉर्मूला बार में शो होती रहेंगी। सेलेक्ट करेंगे सभी को और कंट्रोल सेट प्रेस करके अंडू करेंगे और कंट्रोल वन प्रेस करेंगे। कस्टम पर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहां पर हम डी को टाइप करेंगे 4 टाइम्स तो यहां पर कंप्लीट डे नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ये आप यहां सैंपल में देख सकते हैं, यहां से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कंप्लीट डे नेम शो हो गए हैं और बैकएंड में डेट्स यहां पर शो होती रहेंगी। ये आप यहां फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हमें जब हम कैलेंडर या फिर अटेंडेंस शीट डिजाइन करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नंबर फॉर्मेटिंग की एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।